हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं नवीन वशिष्ठ और मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल द की ऑफ सक्सेस में। दोस्तों, हमने पढ़ा था टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, TPS। उसके बाद फिर हमने पढ़ा हाउस ऑफ लीन कैसे बनता है और उसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि हाउस ऑफ लीन दो पिलर्स के ऊपर डिपेंड होता है। हमने नेक्स्ट वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए, जिसमें हमने उसके एक पिलर यानी जस्ट इन टाइम को डिस्कस किया था और आप लोगों को बताया था कि जस्ट इन टाइम क्या होता है और ये कैसे हमारे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में हमें सपोर्ट करता है। आज की वीडियो हम आपके लिए लाए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जिदो का यानी हाउस ऑफ लीन, हाउस ऑफ लीन के दूसरे पिलर को। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो आगे के दो टॉपिक आप अगर मिस कर चुके हैं तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। तो प्लीज लिंक पर क्लिक करके पहले की दोनों वीडियो को भी देख लें, ताकि आपको ये जो टॉपिक है जिदो का अच्छे से समझ में आ सके। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों आइए, चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं पहले आपको हाउस ऑफ लीन के बारे में थोड़ा सा मोटा मोटा बता देता हूं। ये मैंने एक जस्ट एग्जाम्पल बनाया है हाउस ऑफ लीन का, जिसमें जो बेस होता है यानी फाउंडेशन होती है वो होती है स्टेबिलिटी। उसके बाद दो पिलर होते हैं जस्ट इन टाइम और जिदो का, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके ऊपर फिर हमारा जो रूफ होती है वो होती है हमारी गोल, कि हमें टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम या हाउस ऑफ लीन अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में या मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में क्यों इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि हर चीज का एक गोल होता है। उसी तरीके से टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का भी एक गोल होता है। तो ये तो हमारा हाउस ऑफ लीन का कॉन्सेप्ट था। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जिदो का। जिदो का यानी ऑटोमेशन विद ह्यूमन टच। जिदो का जो है तीन जैपनीज वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जी यानी सेल्फ, डो मतलब एक्शन, का मतलब मेथड, यानी सेल्फ एक्शन मेथड। इसी से ऑटोमेशन विद ह्यूमन टच ड्राइव हुआ है। आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। दोस्तों, इसकी डेफिनेशन क्या बताती है, इसकी डेफिनेशन बताती है, इट इज अ टेक्निक टू प्रोवाइड मशीन्स एंड ऑपरेटर्स विद एबिलिटी टू डिटेक्ट व्हेन एन एबनॉर्मल कंडीशन हैज अकर्ड एंड इमीडिएटली स्टॉप द वर्क। यानी क्या है, इस पिलर के थ्रू, इस टेक्निक के जरिए हम मशीन को और अपने ऑपरेटर को इतना काबिल बना देते हैं, मशीन में वो एबिलिटी आ जाती है जिससे कि अगर मान लो किसी भी तरह की कोई भी एबनॉर्मलिटी आती है मशीन में या हमारे प्रोसेस के दौरान, तो मशीन अपने आप स्टॉप हो जाएगी, मशीन अपने आप स्टॉप हो जाएगी, वर्क अपने आप स्टॉप हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं ऑटोमेशन विद ह्यूमन टच। उस मशीन के अंदर हम छोटा मोटा कोई ऑटोमेशन लगा देंगे जिससे कि कोई भी एबनॉर्मलिटी आने पर हमारा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। और ऑटोमेशन विद ह्यूमन टच को क्या बोलते हैं, ऑटोनोमेशन। एक होता है ऑटोमेशन, ऑटोमेशन, और यह है ऑटोनोमेशन, मतलब ऑटोमेशन विद ह्यूमन टच। तो अब बात करते हैं कि जो जिदो का होता है उसकी इन्वेंशन किसने की थी। जैसा कि आपको पता है, टीपीएस, जिट और जिदो का, इन सब के इन्वेंटर कौन थे, साकीची तोयोदा। साकीची तोयोदा ने जिदो का की इन्वेंशन की थी। जो हमारा जिदो का सिस्टम है वो किस पे डिपेंड करता है, हमारा जिदो का जो सिस्टम होता है वो बेस होता है डोंट एक्सेप्ट डिफेक्ट, मतलब हमें डिफेक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करना है, हमें डिफेक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करना है, डोंट मेक डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स नहीं बनाने हैं, डोंट पास द डिफेक्ट। अगर मान लो डिफेक्ट बन भी गया तो डिफेक्ट्स को आगे फ्लो नहीं करना है, मतलब पहला डिफेक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करना है, दूसरा हमें डिफेक्ट्स नहीं बनाने हैं, तीसरा अगर डिफेक्ट बन भी जाता है तो आउटफ्लो नहीं करना है। अब आप ये सोचोगे कि मतलब कुछ हम ऐसा ऑटोमेशन करने की सोच रहे हैं मशीन में जो डिफेक्ट को डिटेक्ट कर ले या एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट कर ले, तो भाई हम बात पोकर की तो नहीं कर रहे। दोस्तों, जिदो का और पोकर के दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, या यूं कहो कि पहले जिदो का आया था और जिदो का एक वर्जन है पोकर के।
जीडोको का अपग्रेडेड वर्जन है पोगो के। फ्रेंड्स क्या था कि पहले सारी मैकेनिकल ऑपरेटेड मशीन थी, तो हमें कुछ ऐसे सिस्टम उनमें इंप्लीमेंट किए थे जो कि हमारे डिफेक्ट को जनरेट होने से, कोई भी एब्नॉर्मलिटी को होने से या डिटेक्ट होने से प्रोसेस को वहीं पे स्टॉप कर दिया जाता था। जैसे कि अगर मान लो मैं बात करूं, मेरी कोई प्रेस शॉप है, अब जो मेरा प्रेस शॉप है वहां मैंने कर्टेंस लगा दिए, मैकेनिकल था सब कुछ, अब मैंने सेफ्टी के लिए कर्टेंस लगा दिया कि अगर मान लो ऑपरेटर ने उस मशीन के अंदर हाथ भी डाला तो कर्टेंस से लाइट कट हो जाएगी और मशीन मेरी वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। तो ये जिदोगा के अंदर आता था। अब मैं आपसे बात करता हूं कि जिदोगा किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ये जिदोगा का प्रिंसिपल है, जिदोगा के तहत जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी मशीन डिटेक्ट कर लेगी अपने आप। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा ऑटोमेशन मशीन के अंदर देना कि मशीन अपने आप वर्क को स्टॉप कर दे, अपने प्रोसेस को स्टॉप कर दे। तो कोई भी एब्नॉर्मलिटी आई मशीन ने प्रोसेस को स्टॉप कर दिया, कोई भी प्रॉब्लम आई मशीन ने डिटेक्ट किया, उसके बाद मशीन को स्टॉप कर दिया। सेकेंड स्टेप में मशीन वर्क को स्टॉप कर देगी, मतलब मशीन काम करना बंद कर देगी। अब क्या होता है ऑपरेटर, यहां पर हमने ऑपरेटर की भी बात की है, मशीन के साथ साथ ऑपरेटर की बात की है। जब प्रोसेस बंद हो जाएगा, मेरा टास्क बंद हो जाएगा, तो ऑपरेटर क्या करेगा, अपने सुपरवाइजर को बुलाएगा या मेंटेनेंस वाले को बुलाएगा और उस प्रॉब्लम को फिक्स करेगा, उसको ठीक करेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, इन्वेस्टिगेशन का रूट कॉज। फिर रूट कॉज फाइंड आउट किया जाएगा कि दिक्कत एक्चुअल में क्या थी, जो एबनॉर्मलिटी हुई है उसका रूट कॉज क्या था। अगर हम रूट कॉज फाइंड आउट नहीं करेंगे तो वो दिक्कत बार बार होगी, मेरे प्रोसेस को बार बार रुकना पड़ेगा, मेरी प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी। सारा काम हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए करते हैं, क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। अब मान लो हम रूट कॉज पे काम नहीं करेंगे तो दिक्कतें बार बार आती रहेंगी। तो फोर्थ स्टेप क्या है कि हम रूट कॉज को फाइंड आउट करेंगे कि वो जो एबनॉर्मलिटी आई थी वो क्यों आई थी। दोस्तों एक और बात बताता हूं आपको, जो जिदोगा है, तो जिदोगा प्रोसेस है, मैंने आपको बताया कि किस चीज से बेस होता है जिदोगा प्रोसेस होता है मेरा, डोंट एक्सेप्ट द डिफेक्ट, हमें डिफेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करना है, डोंट मेक डिफेक्ट, डिफेक्ट को बनाना भी नहीं है, डोंट पास द डिफेक्ट, और डिफेक्ट को पास भी नहीं करना है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो मेरा जिदोगा है वो मेरे क्वालिटी को ऑप्टिमाइज करता है, मेरी क्वालिटी को इंप्रूव करता है। अब मैं बात करूं कि वो कौन कौन से टूल्स हैं जो कि जिदोगा में काम आते हैं। तो ये कुछ तीन चार मैंने टूल्स लिखे हैं, बाकी और भी होते होंगे, लेकिन मैंने ये इजी इजी चार टूल्स लिखे हैं जो आप लोगों को हर बंदे को पता होना चाहिए। एंडोन, पोकायोगे, सेंसर, लिमिट स्विच। अब आप बात करोगे कि एंडोन क्या होता है, पोकायोगे क्या होता है, सेंसर क्या होता है, लिमिट स्विच क्या होते हैं, तो इसको हम एक आगे वाली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी मोटा मोटा डिस्कस करके मैं आपको बता दूंगा कि बेसिक एंडोन, पोकायोगे, सेंसर, लिमिट स्विच क्या होते हैं, बट डिटेल में आपको अगली वीडियो में इन सबके बारे में बताऊंगा। अब बात आती है कि जिदोगा और पोकायोगे सेम चीज है क्या, नहीं, जिदोगा और पोकायोगे दोनों डिफरेंट चीजें हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि पोकायोगे की इन्वेंशन जिदोगे के बाद हुई है, जिदोगा का अपग्रेडेड वर्जन है पोकायोगे। अगर हम पोकायोगे यानी एरर प्रूफिंग की बात करें तो छह तरह से एरर प्रूफिंग की जाती है। नंबर वन, एलिमिनेशन, मतलब उस कोड को ही एलिमिनेट कर दिया जाता है जिसकी वजह से एबनॉर्मलिटी आ सकती है। रिप्लेसमेंट, मान लो हमें पता है कि किसी भी रीजन से कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है, कोई एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एबनॉर्मलिटी होने के चांसेस हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, तो उस प्रोसेस को हम दूसरे प्रोसेस से रिप्लेस कर सकते हैं जिससे कि एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फैसिलिटेशन, मतलब विजुलाइजेशन, विजुलाइज करके एबनॉर्मलिटी को पकड़ना। जैसे कि आजकल कैमरे सेंसर्स आ रहे हैं, कुछ पार्ट्स में कुछ पार्ट्स कलर स्पेसिफिक होते हैं,
मतलब एक पर्टिकुलर कलर होता है जो हर पार्ट का सेम होना चाहिए, तो कैमरे लगा दिए जाते हैं और कैमरे के अंदर वो कलर कोडिंग डाल दी जाती है, तो वो विजुलाइज करता है कि क्या उस पार्ट का कलर जो उसके अंदर कोडेड है दोनों सेम है या नहीं है। अगर सेम नहीं होता तो उसको डिटेक्ट कर लेता है और अलार्म बज पड़ता है कि आपने जो पार्ट दिया है उसका कलर कोड मेरे कलर कोड से मैच नहीं कर रहा। तो ये भी एक तरह की एरर प्रूफिंग हो गई। प्रिवेंशन, किसी भी तरह करके उस डिफेक्ट को, उस एब्डोमेंट्री को प्रिवेंट करना। आप चाहे उसके अंदर कोई ऑटोमेशन करो, कोई डिजाइन चेंज करो, व्हाटएवर। डिटेक्शन, अगेन भाई आपने जिग फिक्सर्स बना रखे हैं, आपने टूलिंग बना रखी है, स्नैप गेज बना रखे हैं जो कि डिफेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। मिटिगेशन मतलब डिफेक्ट आ गया, एब्नॉर्मलिटी आ गई, लेकिन उस एब्नॉर्मलिटी का इंपैक्ट कम हो गया, मतलब इंपैक्ट कम कैसे होगा, इंपैक्ट कम हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि हम एमसीबी लगा देते हैं, लाइट फ्लक्चुएट होती है तो क्या होता है, एमसीबी डाउन हो जाती है, मेरा पूरा सिस्टम खराब नहीं होता, हैंग नहीं होता, तो वो मिटिगेशन होता है, ये मिटिगेशन का एग्जांपल है। प्रिवेंशन के अगर एग्जांपल की बात करें तो आपने देखा होगा सिम कार्ड का स्लॉट कैसा होता है, सिम कार्ड का स्लॉट कुछ इस तरीके से होता है, और ऐसी ही मेरी सिम कार्ड होती है, मतलब इस डिजाइन की वजह से ना मैं अपने सिम कार्ड को उल्टा सीधा नहीं डाल सकता, ये प्रिवेंशन का एक तरीका है। पोका योके यानी एरर प्रूफिंग का मतलब यही होता है कि गलती से भी गलती ना हो, तो वो पोका योके होती है। तो एरर प्रूफिंग यानी पोका योके के 6 स्टेप होते हैं, 6 तरीके होते हैं एरर प्रूफिंग करने के। अब बात करते हैं एडनॉन की, सेंसर की और इमेज स्विच की क्या होते हैं। तो अगर एडनॉन की बात करें तो एडनॉन क्या होता है, मान लो मेरे 6 स्टेशन है, स्टेशन ए बी सी डी ई एफ जी एच, यहां मैंने बोर्ड लगा रखा है A B C D E F G H, हर स्टेशन पे मैंने एक लिमिट स्विच लगा रखा है और यहां मैंने बजर लगा रखा है। एंड ऑन में क्या होता है कि मान लो मेरे कोई भी मशीन स्टॉप होती है किसी भी रीजन से, मान लो इसके पास मैटेरियल नहीं है या कोई पार्ट काम नहीं कर रहा है या पावर कट हो गया, वट एवर द रीजन जिसकी वजह से मेरी मशीन बंद हो गई है, तो मेरा ऑपरेटर क्या करेगा, मेरे ऑपरेटर को लिमिट स्विच दबा देगा, लिमिट स्विच दबते के साथ मेरी मशीन हो जाएगी बंद और एफ प्रोसेस वाले ऑपरेटर ने मशीन बंद करी है, यहां बजर बज जाएगा। अब चाहे प्रोडक्शन का सुपरवाइजर कहीं बैठा हो, इस बजर को सुन के पता लग जाएगा उसको कि एफ जो मशीन है वो बंद हो गई है मेरी, वट एवर द रीजन। अब भाग के आएगा एफ के पास, जाएगा पूछेगा मशीन क्यों बंद कर दी भाई, तो एफ वाला बताएगा मेरे पास मटेरियल नहीं है जी, इसलिए मैंने मशीन बंद कर दी, तो इमीडिएट वो इसके लिए मटेरियल का अरेंजमेंट करेगा। तो ये एंड ऑन प्रोसेस होता है। अब इसके ना होने के क्या साइड इफेक्ट होते हैं, अगर मान लो ये नहीं होता, ये मेरा ये सिस्टम यहां नहीं लगा होता, तो मेरा एफ वाला जो बंदा है ना, एफ प्रोसेस का जो ऑपरेटर है, मशीन बंद करके बैठ जाता और मुझे पता नहीं लगता, क्यों, उस तक इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी। तो ये कुछ टूल्स हैं जो ज़िडोका में सपोर्ट करते हैं और कुछ अपग्रेडेड वर्जन है जैसे पोका के मैंने आपको बताया, जो कि ज़िडोका के अंडर आते हैं। इन टूल्स को यूज करके हम अपनी क्वालिटी को बेटर बना लेते हैं। अगर वेरिएशन कम होगा, एब्नॉर्मलिटी कम होगी, तो मेरे डिफेक्ट की जनरेशन कम होगी, मेरे डिफेक्ट वहीं के डिटेक्ट हो जाएंगे, आगे फ्लो नहीं करेंगे, तो मेरे पार्ट की क्वालिटी, मेरी मार्केट में गुडविल, कस्टमर से लाइजिंग, सब कुछ अच्छा चलेगा।
इसीलिए जितोका को बोला गया है कि ये हमारी क्वालिटी को ऑप्टिमाइज करता है, ये क्वालिटी को ऑप्टिमाइज करने का एक टूल है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जितोका कॉन्सेप्ट मैंने काफी कोशिश करी है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया हो, और आप लोगों को समझ में आया भी होगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।